आज फवाद चौधरी का बयान था, उसने कहा पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, उसने कहा शोएब शाहीन की कोई औकात नहीं है, इमरान खान अकेला बस सही है, उसने कहा ये सब ड्रामेबाज है, खुद कह रहे हैं इनकी पीटीआई वाले। फवाद चौधरी हमारा जो भगोड़ा है, अच्छा वो हमारे पॉलिसी फैसले करेगा और वो बताएगा कि किसकी अहमियत है किसकी नहीं है। वो उसकी बेगम भागते हुए देखा था फवाद चौधरी को आपने, वो उसकी बेगम पार्टी छोड़ गया। अब इनको इतना डरपोक निकला, बिल्कुल अब उसके फैसलों के ऊपर मानेंगे वो अपने। हम ये कहते हैं 44 सीटें इमरान खान के नाम पर, वो हकीकी पीटीआई अपने आप को कहता है, अलबत्ता कहता रहे। अब ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी, क्या हैसियत है पार्टी की, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी ना कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, इमरान खान साहब बाहर भी होते, इसके डायलॉग के अंदर भी होते, वो इमरान खान बाहर था, 35 पंचर का झूठ बोला या जो भी है, इलेक्शन दोबारा करा लिए उसने, हुए अयाज हाजिर साहब का दोबारा इलेक्शन हुआ लाहौर में। इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स विच ब्रिंग्स रिजल्ट्स, एक जिद के ऊपर और अनाह के ऊपर रिजल्ट नहीं निकलता। ये बात आपकी सही है, उसको पॉलिटिकली लेट्स मूव अहेड करें, उसको पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए। वो अपने हम तैयार हैं। 218 मुकदमे बनाए आपने, बदमाशी की इंतहा कर दी, तमाम केसेस में वो जमानतों पे बाहर आ गया, आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने आज तक उसको पिछले 2-3 हफ्तों से आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, आपने उसके जिसने ANF का कौन इंचार्ज था, इन्होंने क्यों नहीं बैठा था कैबिनेट में। बात यह है, वो नहीं, सुने, वो जो सुने, वो अंदर दबा दिया हुआ है, हम ये कहते हैं जिसने डाली थी। आप सबसे पहले आए आईन और कानून की अमलदारी पे आ जाएं, आए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है गलत तोड़ दिया जोशी जज्बा, आपने कहा हम पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, दो तोड़े ना मजा आएगा, कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हमने कहा हम सबसे पहले आएंगे। चलो आप 3 दिन के अंदर अंदर, हमारे हक में फैसला आता है 12 जुलाई को, 15 जुलाई को तातारा जाता है, काम इनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और हम इनको आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये आपका तरीका कार है कि हमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने हमारी सारी लीडरशिप, मेरे समेत, मेरे खिलाफ 9 मुकदमे हैं दहशतगर्दी के। मैंने कौन सी दहशतगर्दी किया है, SHO से पिस्तौल छीना, उसकी कनपट्टी पे रखा, किसी को मारा, किसी को कलाश्निकोव दिखाई, ये तर्ज अमल है आपका। आप हमारे साथ आप ये तरीका कार करते हैं और साथ कहते हैं आए बैठे, ये तकरीर किसी ने सुन ली तो उसे सच्ची समझ लेना कि आपने पिस्तौल मोबाइल आपने फेंका, मोबाइल आपने फेंका, मुलाजिम को मोबाइल भी कैच किया।